नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और काफ़ी लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी सर साइंस ओवर के लिए, साइंस साइड के लिए भी जो वीडियोज है प्रोवाइड कीजिए। कला का मैंने एक वीडियो दिया था और साइंस के लिए वीडियो आपको पर डे यहाँ पर मिलते रहेंगे। टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है, बट मैं टाइम भी फिक्स कर दूंगा कल परसों तक। उसके बाद आपको एक टाइम पर जो है ये वीडियोज मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है लगातार मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बेसिकली मैथ के क्वेश्चन जो आते हैं, 6-7 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आज आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में मैथ के आते हैं। फिर मैं आपको साइंस भी करवाऊंगा और बायोलॉजी भी कराऊंगा। जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक घन की भुजा को दोगुना कर जाए, यानी कि घन है उसकी प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो समझिएगा, घन जो होता है, घन का क्षेत्रफल, घन की भुजा होती है ए, घन में क्या होता है, छह भुजाएं होती है, छह की छह भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। अब घन की प्रत्येक भुजा को पहले ए था, अब दोगुना कर दिया गया, कितना हो गया, 2a हो गया है। समझिएगा क्वेश्चन को। अब कह रहा है कि अगर इस, यहाँ पर कह रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। देखो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे तो 6a स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 6 × भुजा स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो भाई पहले संपूर्ण पृष्ठ कितना था, 6 × भुजा स्क्वायर था, तो अभी संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 6 × भुजा, यानी कि 2a का वर्ग हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 6 × 2 × 2 कितना हो जाएगा सर, 4a स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना। यानी कि अब इसको पूरा हल कर लेंगे तो 6 × 4 = 24a स्क्वायर हो गया। अब देखो प्रतिशत वृद्धि तो निकालनी है ना, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है, पहले अगर हम लोग वृद्धि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 24a स्क्वायर है, इसमें से 6 स्क्वायर घटा दो, भाई पहले 6 था फिर 24 हो गया, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई सर, 18a स्क्वायर की वृद्धि हो गई। यानी कि प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, अब प्रतिशत आपने थोड़ा बहुत परसेंटेज तो पढ़ ही रखा होगा, प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, जितनी वृद्धि हुई है उसको लेंगे और डिवाइड बाई करेंगे, डिवाइड बाई क्या करते हैं, पहले वाली, तो पहले वाला मान कितना सर, 6a स्क्वायर दिया गया है, तो बटे कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। गुणे कितना कर देंगे, परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 6 × 3 = 18 हो गया, 3 × 100 करेंगे कितना आ जाएगा सर आपका, 300% आ जाएगा। क्लियर है सभी को, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि बिंदुओं 3, 5, 6y और -3, 4 का केंद्रक xy हो, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आप देखो थोड़ा बहुत अगर आपने 10th में या 11th-12th में निरसांग ज्यामिति पढ़ा होगा तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन वहाँ पर माना जाता है, बट मैं आपको बताता हूँ जब भी केंद्रक की बात होती है। आप देखो जैसे ये बिंदु दिए गए हैं, जैसे 3 और 5 दिया गया है, तो ये आपका भुज होता है, ये कोटि होता है, यानी कि ये एक्स अक्ष के पे आते हैं, ये वाई अक्ष पे आते हैं, तो इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर केंद्रक में जब होता है तो 3 बिंदु दिया गया, एक 3, 5 दिया गया, तो इसको x1 y1 बोलेंगे, एक आपका 6 और y दिया गया है, इसको x2 और y2 बोलेंगे, इसी तरह आपका -3 और 4 दिया गया है, तो इसको x3 और y3 बोलेंगे। तो भाई केंद्रक का मान दिया गया कितना है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो सिंपल सा फंडा भाई, केंद्रक का मतलब क्या होता है, केंद्रक का मतलब होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, ये होती है x की वैल्यू, यानी कि जो यहाँ पर ये x और y आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो ये x आ रहा है, इस x की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 होता है। तो इस x की वैल्यू से यहाँ पर निकाल लो, x1 कितना है सर, देखो 3 दिया गया, तो 3 लिख लेंगे, x2 कितना दिया गया, देखिए 6 दिया गया, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, और x3 कितना दिया गया है, -3 दिया गया, तो यहाँ पर -3 कर देंगे, डिवाइड बाई कितना करेंगे, 3 करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 6 × 3 = 9, यहाँ पर -3 + 3 कट गया, 6 × 3 = 6/3 है, तो इसको हल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर हो गया सभी को, x की वैल्यू 2, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, अब या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y बराबर क्या, जैसे x बराबर x1 + x2 + x3 / 3 है, वैसे y बराबर y1 + y2 + y3 / क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y के स्थान पे देखिए यहां पर y ही है, तो y रहने दो, y1 के स्थान पे देखिए कितना आपका 5 दिया गया, तो 5 लिख देंगे, y2 के स्थान पे देखिए y ही दिया गया, तो y लिख देंगे, और y3 के स्थान पे देखिए 4 दिया गया, तो बटे +4 कर देंगे, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3y को धन ले आओ, तो 3y बराबर 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, प्लस कितना हो जाएगा, वाई बचेगा, y इधर आएगा तो 3 में से y गया, 2y बराबर कितना आ गया, 9, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 आ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है x बराबर 2, y/9/2, ये यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा।
आई नो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट आपको पता होगा केंद्रक का फॉर्मूला पता होगा तभी आप लोग इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। तो मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप लोग सब चीज़ें जो है नोट करते हुए चलेंगे, और पेपर के पहले एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी पेपर जो है पोस्टपोन हो सकता है 22 अप्रैल, जो लोग कह रहे हैं उसके बाद ही होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, और दो तीन चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। जो भी होगा मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है आपको देता रहूँगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान देखो क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कोण यहाँ पर निकालना है कुछ नहीं, अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो बहुत आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, एक चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग ए बी और इसके अलावा सी, और यहाँ पर है आपका डी है। अब इसके विकर्ण है, देखो ये है आपका ए सी विकर्ण और ये है आपका बी डी विकर्ण, ये तो दिया गया ना। अब ए सी और बी डी विकर्ण में क्या क्या दिया गया समझो, ये कहाँ पर काट रहे हैं, ये आपके ओ पर कट कर रहे हैं, ओ पर कट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें एक चीज़ पता है कि डी ए सी कितना है आपका 32 अंश है। अब डी ए सी 32 अंश दिया गया है, डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर, ये कितने अंश का है भाई आपका 32 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। ए ओ बी कितने अंश का है भाई, 70 अंश का दिया गया है। ए ओ बी देखो ए ओ बी ये आपका कितने अंश का दिया गया है, 70 डिग्री का दिया गया है। तो डी बी सी का मान पूछ रहा है, यानी कि डी यानी बी इस वाले कोण का मान पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अब देखो करना क्या है, मुझे पता है कि अगर आपका ये 70 अंश है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समांतर जो थोड़ा सा रूल लगाएंगे, ये 70 है तो ये कितने अंश का हो जाएगा। अब पूरा एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर 180 अंश का, देखो ये पूरा कोण कितना होगा, 180 अंश होगा, तो ये अगर 70 है तो ये बचा कितना, 110 अंश का हो जाएगा। बस बिना मूझबानी आप लगा सकते हो, ये 70 है कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब देखो ये त्रिभुज हो गया, देखो ये त्रिभुज ए ओ डी एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है, तो अगर ये 110 है और ये 32 है तो ये कितना हो जाएगा। तो मुझे पता है कि पूरा 180 अंश होता है, उसमें से 110 को और 32 को हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 142 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 38 अंश। तो ये कितना आ गया सर आपका, 38 अंश आ गया, ये आपका ये कोण कितना आ गया, 138 अंश आ गया। मुझे समांतर चतुर्भुज में पता है कि अगर ये 38 है तो आपका उसका जो एकांतर कोण है ये भी आपका क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो हमें इसी कोण की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो बताइए कहीं भी आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, मुझभाई लगा लिया कि नहीं लगा लिया, थोड़े से अगर आप लोग रूल्स को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतनी आसानी से क्वेश्चन को आप लोग लगाते हुए चलेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है। 1-1/5, 1-1/6, 1-1/7, डॉट डॉट डॉट, 1-1/100 दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे। अब देखो सिंपल सा है, पहले इसको सॉल्व करो, 5 1 5 में से 1 गया, 4/5 हो जाएगा, गुणे ये देखो 6 1 6 में से 1 गया, 5/6 हो जाएगा, इसी तरह अगला 6/7 आएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट, आपका लास्ट में जो दो बचेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक 98/99 आएगा और लास्ट वाला जो इसको है इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 99/100 आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर है कि ये 5 से ये 5, ये से 6 ये 6, ये 7 से ये वाला, और जो यहाँ वाला होगा वो आपके इसको काटेगा यहाँ वाला, और इसके अलावा 99 से ये 99 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या ऊपर 4, और यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, 100 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/100। इसको हल कर लेंगे तो 1/ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको इसका गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड कौन सा होगा। अब देखो एक तो पूरा तरीका होता है, पूरा गुणनखंड निकालने का तरीका होता है, और सेकंड मेथड ये होता है कि यहाँ पर जैसे ऑप्शन मेथड से आप लोग ला सकते हो, जैसे आपका ये ऑप्शन पहला ऑप्शन उठाओगे तो x-1 दिया गया, देखो x-1 दिया गया है, x-2 दिया गया है और x-3 दिया गया है, ये तो दिया गया है ना, तो यहाँ से निकाल सकते हो x की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर x की वैल्यू 1 इसमें संतुष्ट करती है, संतुष्ट करने का मतलब है कि x बराबर 1 रखने पर ये सारे का सारा मान जो है 0 आ जाता है, जैसे यहाँ पर x क्यूब है, यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 6 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 × 1 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 1 - 6 और +11 - 6, इसको सॉल्व करेंगे, -6 - 6 - 12 और +11, -11 हो जाएगा, -11 +11 0 आ गया, तो ये x-1 तो इसका गुणनखंड है, x-1 गुणनखंड है, तो ये x+1 वाला नहीं होगा, तो बी ऑप्शन तो अपने आप कट गया। x-2 वाला ऑप्शन उठा के देखते हैं, तो x-2 2 रख करके देखो तो 2³ - 6 2² हो जाएगा, प्लस
प्लस 11 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दुनी 4 दुनी 8 हो गया, माइनस 2 दुनी 4 छक्का 24 हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा 11 दुनी 22 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप देखो 24 और 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, सॉरी 22 और 8 जोड़ोगे 30 हो जाएगा, और 24 और 6 जोड़ोगे 30 हो जाएगा। तो 30 में से 30 हटाएंगे, ये भी आपका 0 आ गया, यानी कि ये भी आपका फॉलो कर रहा है। तो x बराबर x माइनस 2 यानी कि x बराबर 2 भी आपका जो फॉलो कर रहा है, तो x प्लस 2 वाला ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया, x प्लस 2 यहाँ भी आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा x बराबर माइनस 3 है, x बराबर माइनस 3 रख करके देख लीजिए सर, सिंपल सा भाई x बराबर, क्योंकि x माइनस 3 है तो x बराबर 3, क्योंकि ये पक्ष बदलता है तो ये माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस 3 रख कर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए रख करके देख लीजिए, तो पहले क्या हो जाएगा 3 क्यूब हो जाएगा, माइनस 6 गुणे 3 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 11 गुणे 3 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करिए, 3 तिरिक्का 9 होती है 27, माइनस 3 तिरिक्का 9 छक्का 54, और प्लस कितना हो जाएगा 11 तिया 33, और माइनस 6 हो जाएगा। हल करके देखो सर, 27 और 33 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर 70 आ जाएगा, और माइनस 54 और 6 कितना हो जाएगा सर 60 हुआ यहाँ भी, और यहाँ भी माइनस कितना हो जाएगा 60, ये भी कितना आ गया 0, यानी कि सब कुछ रखने पे 0 आ रहा है, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये हो गया ऑप्शन मेथड लगाने का, लेकिन इसमें भी क्या है कि आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं, बट दूसरा तरीका क्या है, आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर आपको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया देखिए, एक्स क्यूब दिया गया, माइनस 6x² दिया गया, प्लस 11x दिया गया, माइनस कितना दिया गया आपका 6 दिया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब दिया गया, ठीक है एक्स क्यूब, अब माइनस कितना दिया गया 6x² दिया गया है, तो एक काम करिए ना, अब इस 6x को और 11x को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, 6x को तोड़ लेते हैं हम लोग इसमें 5 और 1 में, किसमें तोड़ेंगे भाई 5 और 1 में तोड़ लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5x² हो जाएगा। और 11x को तोड़ लेते हैं हम लोग किसमें सर 5 और 6 में, क्योंकि 6 और 5 मिलकर कितना होता है 11। अब ये 5 और 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1 था और मुझे पता है कि 5 इसलिए लेंगे क्योंकि ये 5 में टूट जाएगा, तो ये 5x प्लस कितना हो गया 6x, और माइनस आपका क्या है 6 है। इसको तोड़ेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए कितना आ जाएगा एक्स माइनस 1 आएगा, और माइनस इसमें 5x कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस 1 आएगा, और इसमें कितना कॉमन लेते हैं हम लोग 6 कॉमन लेते हैं, तो एक्स माइनस 1 आ गया। तो सब में एक्स माइनस 1 कॉमन है, तो एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो इसको भी गुणनखंड करोगे, इसका गुणनखंड कर देखिए, एक्स माइनस 1 तो आपका आंसर आ गया ना, 1 में एक्स माइनस 1 है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसको भी तोड़ लेते हैं, देखिए आपको क्या तोड़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसको तोड़ना है, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए कैसे टूटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस कैसे टूटेगा भाई, देखो 6 है ना, तो इसको 6x और माइनस 6x प्लस x में तोड़ देते हैं, और प्लस आपका कितना बचा है 6 बचा है, इसमें टूटेगा 6 का 6 नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 का 6 टूट सकता है वैसे देखा जाए तो, 2 और 3 में ही टूटेगा, लेकिन यहाँ पर एक माइनस में आ जा रहा है एक प्लस में आ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको 2 ऐसे भागों में तोड़ते हैं जो आपने बचपन में सीख रखा है, क्या आया था भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आया था ना, तो हमें क्या करना हो, प्लस 6 आया था, हमें 6 को ऐसे दो, इस 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर प्लस 6 आए, माइनस 6 थे यहाँ पर प्लस है तो प्लस 6 आए, और जोड़ने घटाने पर 5 आए, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x तोड़ सकते हैं। अब देखो माइनस 2 माइनस 3 गुणा करेंगे तो प्लस 6 आएगा ना, तो प्लस आपका 6 बचा हुआ है, तो एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा, दोनों में एक्स माइनस 2 कॉमन है। ये सब चीज़ें 10th में आपने पढ़ रखी है, 10th लेवल का ही है, कुछ बड़ा नहीं है आपका। तो देखिए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और पहले आपका एक्स माइनस 1 आया ही था, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया आपके क्वेश्चन।